Morning students, so today we will do worksheet 1 of unit 12. Okay, so what is worksheet 1? Now we have first question. Draw any triangle XYZ and name its sides, angles and vertices. हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, उसका नेम हमने लिखना है एक्स वाई जेड और उसके साइड्स, एंगल्स और वर्टिसेस हमने लिखने हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले आता है मेरे बेटा कि हमने ये देखिए ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है, इसका नेम हमने रखा है सो एक्स वाई जेड. क्लियर? सो मेरा बेटा, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि जो कॉर्नर होते हैं वो क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं. वर्टेक्स क्या होते हैं? जहाँ पे भी टू रेज मिलती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं. सिंपल, आप कॉर्नर भी याद रख सकते हैं. तो हाउ मेनी वर्टेक्स वी हैव? 1, 2, 3. 3 वर्टेक्स, इनको आप कॉर्नर से भी याद रख सकते हैं. और ये जो मेरे बेटा इसके साइड, इसको हम साइड बोलते हैं. एक वन साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड. और हाउ मेनी एंगल्स आर हियर? 1, 2 and 3 एंगल्स आर हेयर. आप इस एंगल को किसी भी कलर से कलर भी कर सकते हैं. क्लियर है? तो हाउ मेनी वर्टिसेस वी हैव? 3. हाउ मेनी साइड्स वी हैव? 3. एंड हाउ मेनी एंगल्स वी हैव? 3. अब वर्टिसेस कैसे लिखें? वर्टेक्स का प्लूरल होता है मेरा बेटा वर्टिसेस. तो देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. क्लियर? नाउ वी हैव टू राइट द साइड्स. साइड्स कैसे हो गया? देखिए मेरे बेटे, ये जो x है ये x यहाँ तक आ रहा है y तक, तो एक्स वाई साइड्स कौन से हो गई? एक्स वाई, ये वाली साइड यहाँ से यहाँ को जा रही है, तो ये होगी वाई जेड. और ये साइड्स यहाँ से यहाँ को जा रही है, दैट इज कॉल्ड जेड एक्स. तो कौन सी हो गई? एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स. करेक्ट? नाउ अब इस एंगल का नेम क्या आ गया? एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड. तो एंगल का साइन मैंने साथ में लगाया. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. अब इनको काउंट कर लेंगे हम लोग कितनी है. इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं? जब मेरा बेटा 3 आपके पास लाइन और सभी का बेस एक ही है, तो देखिए ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है और एक कंप्लीट ट्राइंगल है 3. तो कितनी ट्राइंगल्स हुई? 3 ट्राइंगल्स. आप इसको एक टेक्निक से लर्न भी कर सकते हैं. 1 + 2 कितना होता है? 3. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक ये ट्राइंगल बनाई और सभी का बेस क्या है? सेम है. अब देखिए मैं इसको लिखती हूँ 1, 2, 3, 4, 5. 5 लिख दिया. इन सभी को आपस में प्लस कर लीजिए. कितना हो गया है? 5 + 4 = 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इसका मतलब यहाँ पे कितनी ट्राइंगल्स हुई? 15. सेम यहाँ पे भी था, बेस सेम है. देखिए सभी ट्राइंगल का बेस सेम है, तो कितने ट्राइंगल्स हुई? ये ट्राइंगल 1, ये कितने? 2. तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? इक्वल टू 3 ट्राइंगल्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर हेयर? काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 4 और एक है कंप्लीट 5 ट्राइंगल्स. कितने ट्राइंगल्स होगी? 5. नेक्स्ट अब इसको काउंट कर लेंगे कि यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं. सो नाउ वी विल काउंट. देखो ये छोटी सी ट्राइंगल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये कंप्लीट ट्राइंगल है 7 और एक ये कंप्लीट ट्राइंगल है 8. तो टोटल ट्राइंगल्स कितनी हो गई? 8. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट हियर वी विल काउंट. देखो ट्राइंगल 1, 2, 3, 4. देखिए 1, 2, 3, 4. 4 ये होगी. अब देखिए यहाँ से बेस ले लीजिए इसको 5 और इसको 6. करेक्ट? अब इस बेस को ले लेंगे 7 और ये 8. तो कितनी ट्राइंगल्स होगी यहाँ पे? 8 ट्राइंगल्स होगी. मतलब पहले 4 हमने ऐसे लिख ली, अब इसको हाइड कर लेते हैं लाइन को. तो देखिए एक ये ट्राइंगल बन रही है और एक ट्राइंगल ये बन रही है. अब अगर इस बेस को हटा दिया जाए तो देखिए एक ट्राइंगल ये बन रही है और एक ट्राइंगल ये बन रही है. तो टोटल कितनी ट्राइंगल्स होगी? 8. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर एंगल्स. अब आप देखोगे मेरा बेटा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90. तो इसको बोलते हैं हम राइट ट्राइंगल्स. इसको बोलते हैं हम राइट ट्राइंगल. करेक्ट? अब यहाँ पे देखेंगे ये कैसे बना रहा है, ये ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. ये आगे हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. अब यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं? एक्यूट एंगल्स है, तो ये आ जाएगी एक्यूट ट्राइंगल.
फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेम, इसमें भी क्या है, सारे एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट है, तो उसको बोलेंगे एक्यूट ट्राइंगल, क्योंकि इन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यू हैव टू फाइंड एक्यूट ट्राइंगल्स। क्लियर? तो ये थे हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। राइट, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द एंगल्स ऑफ मेजर 70, 40 एंड 60 डिग्री। अब देखिए मेरा बेटा, आपने हमने क्लास 5 में भी पढ़ा था कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपका सम 180 से ज़्यादा आता है तभी ट्राइंगल नहीं बनेगी, अगर 180 से कम आता है तभी ट्राइंगल नहीं बनेगी। एग्जैक्ट तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए हमने लिख लिया इसको 70, 40, 60, तीनों को प्लस कर लिए, प्लस करके कितना आ रहा है हमारे पास? 170 डिग्री। तो 170 डिग्री क्या हो गया? लेस देन 180। तो नो वी कांट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल बिकॉज द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये अंडरस्टूड है मेरे बेटा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपको एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को बनाना है तो आपका सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तभी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, अगर 180 से थोड़ा सा कम हो गया तभी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट हमें 180 डिग्री ही चाहिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल यूजिंग लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। अब ये बोलते हैं कि साइड के बेसिस पे बताइए कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। एंगल के बेसिस पे तो हमने पता लगा लिया, तीनों को प्लस किया, अगर 180 आ गया तो पॉसिबल थी, अगर नहीं आया तो नहीं पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखा जाए कि ट्राइंगल के साइड्स गिवन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ मेरा बेटा, अगर ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड्स को अगर आप प्लस करते हो तो वो थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने पहले दो ले ली, ये दो साइड्स 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 किया, और ये इन दोनों का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए तभी आपकी ट्राइंगल पॉसिबल होगी। तो फर्स्ट केस में मैंने दोनों ले लिए, 7 प्लस 6 कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। यस, 13 इज ग्रेटर देन 12, मतलब फर्स्ट केस में ये क्लियर हो गया कि पॉसिबल। अब सेकंड केस, अब मैंने ये दो साइड्स ले ली 6 और 12, अब मैंने 6 और 12 ली, 6 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड कौन सी बच गई? 7, तो ग्रेटर देन 7, यानी कि इन दोनों का सम 7 से बड़ा होना चाहिए। तो 12 प्लस 6 आ गए 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर क्या है? 7 से बड़ा है, अभी भी पॉसिबल है ट्राइंगल। अब थर्ड केस कौन सा बचता है हमारे पास? 7 और 12 के बीच में, 7 और 12 को लेंगे हम और देखेंगे कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। तो हमारे पास आ गया 7 प्लस 12, कितना आ गया? 19, तो 19 भी हमारा 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब येस वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल होगी। तो इसमें जब साइड्स के बेस पे आप चूज करते हो तो यहाँ पे मेरा बेटा द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि आपकी दो साइड्स का सम जब किन्हीं दो साइड को प्लस करोगे वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, अगर वो इक्वल या छोटा आ गया तो आपकी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट है, इन्होंने बोला है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, चेक करिए कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने फर्स्ट केस ले लिया, उसमें मैंने ये दोनों ले लिए 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और 11 से बड़ा चेक करना है। फर्स्ट केस में आ गया 6 प्लस 5 ग्रेटर देन 11, बट 6 प्लस 5 11 और 11, क्या 11 11 से ग्रेटर है? नो, ये तो इक्वल है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैंने कट कर दिया, इसको बोलते हैं नॉट ग्रेटर, इसको बोलते हैं नॉट ग्रेटर। अब क्या किया मैंने, अब मैंने सेकंड कौन सी ली, मैंने 5 और 11, 5 और 11 ले लिए दोनों साइड, अब 6 से चेक करना है क्योंकि बड़ी है कि नहीं। तो 5 प्लस 11 इज ग्रेटर देन 6, तो कितना होगा? 16 इज ग्रेटर देन 6, यस ये बड़ा हो गया यहाँ पे कि ग्रेटर देन 6, करेक्ट। अब थर्ड साइड चेक करेंगे कौन से रह गए, 6 और 11, और चेक करना है 5 से बड़े हैं या नहीं। मैंने 6 और 11 ले लिए, और थर्ड साइड कौन सी रहेगी? 5, 11 प्लस 6 कितना? 17 सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। तो क्या तीनों केसेस में पॉसिबल? देखो यहाँ पे पॉसिबल था, यहाँ पे पॉसिबल था, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर एक भी साइड इसकी फेल हो जाती है तो हमारी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो वी कांट कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। ओके, बाय, टेक केयर।